गिराते नहीं है तो उठने का मजा नहीं होता है। तो कैसे लग रही हूँ आप? मैं उठ रही हूँ वापस। नहीं, बैक का ऐड नहीं। तो पहले मैं यही थी, मैं पहले भी खूबसूरत थी, अभी भी खूबसूरत हूँ। मेरे हस्बैंड इतनी अच्छी हॉट बीवी को छोड़ के भटक गए। अंगूर के अंगूर को छोड़ के कोई अंगूर ढूंढ रहा हो तो क्या ही करेगा। अगर मेरे हस्बैंड को लंगूर की आदत है, काश वो अंगूर खा लेता है ना, ये थोड़ा खुद भी फोरा हो जाता। हाँ नहीं, मैं ऐसी ही थी पहले से, बट प्यार में चेंज हो गई थी। प्यार, शादी, यू नो, आप समझ सकते हैं ना, उसके लिए इंसान चेंज हो जाता है। तो चेंज हो गई थी मैं मेरे हस्बैंड के लिए, आदिल के लिए। मैं टोटली अपने आप को चेंज कर दिया था, बट मुझे नहीं पता था कि उन्हें ये सब पसंद है। तो अब मैं ये हो गई हूँ फिर से आदिल। तो मैं ऐसे लड़कियाँ तैयार होके आती हैं तो आदिल को पसंद आती है, तो लो अब तुम्हारी बीवी ही हो गई है ऐसे। क्या बोलते हैं? तो मैं जा रही हूँ दुबई। मेरी राखी सावंत अकेडमी वहाँ पे दुबई में खुल रही है, और इतने दिनों से मेरे आफ्ताब भाई और देवी का, मेरी सिस्टर जो है मेरे ऑर्गेनाइज़र, वो लोग वहाँ पर मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं। मेरा वहाँ का वीज़ा लग गया, बहुत सपोर्ट किए हैं। बट अभी मैं वहाँ पर राखी सावंत अकेडमी खोलने जा रही हूँ, डांस एक्टिंग इंस्टीट्यूट, मतलब सिनेमा फोटोग्राफी, एवरीथिंग ए टू जेड। वहाँ से हम लोगों को यहाँ पे बॉलीवुड में सपोर्ट करेंगे, और वहाँ पे जो यू नो डिप्लोमा लेंगे सब लोग। राखी सावंत अकेडमी जो है वो दुबई में भी खुल रही है, और इंशाल्लाह हिंदुस्तान के हर जगह पे खुलेगी, मुंबई में भी बहुत जल्द खुलेगी। अभी मेरा थोड़ा वक्त, यू अंडरस्टैंड, अभी कुछ बुरा नहीं बोलना है, सब अच्छा अच्छा बोलना है। शूज है आज के हॉट लुक के बारे में क्या कह रहे थे? आज वेरी कलरफुल, जिंदा दिल, आई लव कलर्स। तो मुझे कलरफुल, आज दुबई जा रही हूँ तो हॉट एंड हैपनिंग होना चाहिए। ऐसे भी दुबई में बहुत गर्मी शुरू हो गई है, तो थोड़ा जाके और गर्मी फैलाते हैं। मुझे लगता है मुझे उठ जाना चाहिए, काम करना चाहिए। काम है तो जहान है, कहते हैं सर सलामत तो पगड़ी हज़ार। तो अगर स्टेशन, ये स्टेशन सलामत है तो ट्रेन तो आती जाती रहेगी, और मैं वो बुलेट ट्रेन हूँ जो कभी रुकती नहीं है। जी हाँ, डेफिनेटली। तो चलिए चलते हैं, आइए, छोड़ देते हैं हम ही, छोड़ देते हैं आपको। पीछे भी देखते रहना, पीछे कुछ मत जाना। आप लोगों ने एयरपोर्ट का नक्शा ही बदल दिया है। राखी मैम, एक क्वेश्चन था, अगर आदिल भाई लाइक आपसे बोले कि राखी जी गलती होगी मेरे से, मैं वापस आना चाहता हूँ, तो आपका आंसर क्या रहेगा? देखिए, आदिल की गलती होती ना तो मैं 100 बार माफ करती। आदिल ने जिंदगी खराब करी है। अब मुझे नहीं पता कि मुझे अपने दोस्तों के सहारे मैं उठी हूँ, बताओ। ऐसा होने के लिए पहले बोलने को दीजिए। क्या होता है ना, जब तक बुखार नहीं होता तब तक इंजेक्शन नहीं लगता है, राइट? और मुझे नहीं लगता है कि आदिल ऐसा कुछ बोलेंगे। आदिल को बोलना होता तो वो मैसेज कब से पहुँच जाता। सिर्फ गलती हो गई है, माफ़ कर दो, तो उससे नहीं होता, उससे काफ़ी जिंदगियाँ खराब हुई है। आपको समझ में आ रहा है? ऐसी जो आप गलती, सिर्फ गलती बोल रहे हैं ना, वो मैं हज़ारों बार माफ़ कर चुकी हूँ, इतनी बड़ी बड़ी गलती है। लेकिन जिंदगियाँ खराब करी है, मनी मैटर है, लोगों को समझना होगा। माँ का मरना ड्रामा नहीं है, पति का बिछड़ना, जेल जाना ड्रामा नहीं है। राखी सावंत की जिंदगी में जो कुछ होता है ड्रामा होता है,
और आप लोगों की जिंदगी में क्या होता है. सो दिस इज नॉट ड्रामा. अगर फिर भी मेरी ये दुखी जिंदगी में, जो टॉर्चर जिंदगी में मेरा हुआ है, जो भी लोग ड्रामा कहेंगे, फिर उनको अल्लाह देख लेगा या खुदा देख ले. आई कैन ओनली से दैट एंड आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट माई वर्क. मुझे मेरा आप करियर शुरू करना चाहिए ना. देखो अब मैं शुरू हो गई हूँ, एकदम हल्ला बोल करूँगी, अब मैं काम करूँ. चलो बाय. यहाँ से रख इस तरफ. मेरी बैग्स बैग लाओ अनिल जी. आ रही छोड़ दो, हो गया. आइए दरवाजे तक छोड़ेंगे ना. तक छोड़ते हैं. नहीं वो मुझे ही जाना पड़ेगा. अच्छा अच्छा अच्छा. इधर से ना इसलिए इनको साइड में दो. आइए राजी जी.